बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चना चाट की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये काबुली चने हैं, जिसे मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिए थे और ये सुबह तक सोख हो चुके हैं, अपने साइज़ से बड़े हो चुके हैं। और अब हम इसे बॉईल करेंगे। मैं इसमें 2 ग्लास जितना पानी डालूंगी। और इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी, चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया कुकर को। अब ये 1 सीटी बचने तक मैं इसे कुक करूंगी, तब तक ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रोसेस मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो व्यूअर्स, हमारे ये काबुली चने बॉईल हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं, ना बहुत ज़्यादा हुए और ना ही बहुत कम, बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसे कुक करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें तेल में ऑयल गर्म करने के रख दिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। सबसे पहले हम बेसन डालेंगे, ये 1.5 टेबल स्पून बेसन है। अब इसमें भूनेंगे। हमने ज़्यादा ऑयल ही डाला था, सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला था, लेकिन अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी बेसन की। बेसन जले नहीं, बस हम इतना ख्याल रखेंगे, उसको अच्छे से चमचा चलाते रहेंगे ताकि बेसन जले नहीं। देखिए अच्छे से बेसन भून चुका है। अब हम इसमें चाट मसाला और कुटी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसी के साथ ही हम ये काला नमक डाल देंगे। ये देखें, बहुत ही स्मूथ सा बैगन हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इसी के साथ ही हम काबुली चने भी ऐड कर देंगे।
5 से 10 मिनट के लिए हम इसी में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और फिर हम इसके ऊपर मसाले डाल के खाएंगे। लेकिन इसे पहले ठंडा करेंगे, अगर गर्म गर्म में खाएंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा, इस वजह से हम पहले इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे फिर हम इसे ठंडा करेंगे। देखें व्यूअर्स, ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें इमली डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें ठंडे होने के बाद ये गाढ़े हो चुके हैं। हम इसे डिश आउट करते हैं। अब हम इसे प्याज टमाटर और धनिया से गार्निश करेंगे। और ये देखिए चाट मसाला डालेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम पापड़ी डालेंगे। पापड़ी सब गार्निश करेंगे। हमारी काबुली चने की चाट बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर मेरी छत पर ये बनने वाली रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।